नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसके मामले धीरे धीरे बढ़ते ही नजर आ रहे हैं और अमेरिका की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिका में 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका की ऐसी स्थिति किसी भी आतंकवादी हमले में भी नहीं हुई थी। अमेरिका ने जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसा लगने लगा है कि अमेरिका के ऊपर एक सबसे बड़ा अटैक है। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी है, वो भी अब इस बात को मानने लगी है कि ये एक तरह से टेररिस्ट अटैक ही है। इसमें जैविक हथियार का इस्तेमाल किया गया और जैविक हथियार के तौर पर चीन ने जो कॉन्स्पिरेसी अमेरिका के खिलाफ रची थी, उस कॉन्स्पिरेसी का जवाब देने का समय आ गया है। ये मामला सामने आया चीन के एक एजेंट के द्वारा। चीन के जिस एजेंट ने ये बताया कि जो ये कोरोना वायरस को जैविक हथियार बनाने की जो साजिश थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हांगकांग था। हांगकांग में जो लोकतंत्र के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय से जो प्रदर्शन लगातार जारी था, जो प्रदर्शन लगातार चल रहे थे, और चीन के प्रशासन को ऐसा लगने लगा कि हांगकांग की स्थिति पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और इसके कारण उस पर नियंत्रण करने के लिए एक खतरनाक वायरस बनाया जा रहा था, जिससे संक्रमण पैदा करके हांगकांग को लॉकडाउन कर दिया जाए, हांगकांग के लोगों को घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया जाए। तो ये जो साजिश थी, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी वहाँ के लोकतंत्र के समर्थकों के साथ था। नवंबर 2019 की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पर जो हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, हर दिन ऐसी खबरें आती थी कि आज 2 लाख लोगों ने लोकतंत्र के समर्थन में रैली निकाली, चीन से अलग होने की बात कही, चीन को चेतावनी दी है, और चीन का प्रशासन जो है शी जिनपिंग किसी न किसी तरह से इस विद्रोह को दबाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये लगातार आंदोलन जो चल रहा था, उस समय अमेरिका सहित यूरोप के कुछ देशों ने भी वहाँ के लोकतंत्र समर्थकों का साथ देना शुरू कर दिया था, और ये स्थिति अमेरिका में ज़्यादा थी। अमेरिका के सीनेट ने एक बिल पास किया था लोकतंत्र के समर्थकों के समर्थन में। ये जो वहाँ पर लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहा था हांगकांग में, उसके समर्थन में जो अमेरिकी सीनेट है, उसने एक बिल पास किया था। और उस बिल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये स्वीकार किया कि ये सही है, अमेरिका किसी न किसी तरह से हांगकांग के लोगों के साथ है, जिन लोगों को वहाँ पर जो दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और चीन की जो नीति है उसका विरोध अमेरिका भी करेगा। और हांगकांग में उन्होंने, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार चीन को ये चेतावनी दी थी कि शी जिनपिंग हांगकांग के चारों तरफ अपनी सेना के टुकड़ी भर के रख दिए हैं, और हांगकांग में जो विद्रोह हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो लोकतंत्र की मांग उठ रही है, उसको दबाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस बिल का समर्थन किया, तो चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। शी जिनपिंग ने भी अमेरिका को चेतावनी दे डाली थी और बताया था कि जो अमेरिका है, जिस तरह से हांगकांग का समर्थन कर रहा है, उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। और आज वही स्थिति सामने आ गई। नवंबर की बात है, नवंबर के अंतिम समय में, लगभग 28-29 नवंबर की ये खबर आई थी, और उसके बाद अमेरिका और चीन के बीच तनातनी काफ़ी बढ़ गया था। नवंबर के बाद 2-3 महीने के अंदर ही एक विस्फोट होता है, और वो है कोरोना वायरस का विस्फोट। कोरोना वायरस पर जो खुलासा हुआ, जो चीन के अंदर ही जो कुछ एजेंट हैं, चीनी एजेंट, जो इस बात से काफ़ी खफा है कि जिस तरह से चीन का प्रशासन एक बायो वारफेयर प्रोग्राम डिजाइन करके किसी न किसी तरह से तबाही मचाने की कोशिश कर रहा था, उस तबाही का शिकार चीन ही हो गया। वुहान में से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है। वुहान में अकेले ही 50,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, और ऐसी भी रिपोर्ट जो ऑथेंटिक रिपोर्ट ऐसे सामने आ रही है, ऐसे तो बताया जा रहा है कि वहाँ कम से कम तो 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन चीन उसको छुपा रहा है। चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ 2-3 हज़ार लोगों की मौत हुई है, और इसके कारण चाइना के भी कई ऐसे लोग हैं जो शी जिनपिंग से नाराज चल रहे हैं, और उसी के कारण जो चाइना के ये जो बायोलॉजिकल वारफेयर प्रोग्राम है, उसको डिजाइन करने वाले कुछ लोगों ने ही बगावत करना शुरू कर दिया है, और उसने चीन की पोल खोलनी शुरू कर दी है। अब इसका
जो पूरा मामला सामने आया है उसमें चीनी एजेंट ने ही बताया था कि हांगकांग के प्रदर्शन को दबाने के लिए ही चीन ने ऐसा कदम उठाया है, और हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के साथ कहीं ना कहीं अमेरिका खड़ा था। अमेरिका की स्थिति को देखें, अमेरिका में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है वो किसी भी आतंकवादी हमले से ज़्यादा बड़ा हमला है। आतंकवादी हमलों में इतने लोग नहीं मारे जा रहे थे, और इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है। जो 3-4 दिन पहले 1700 लोगों की मौत हुई थी अमेरिका में, और अब धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ के 3000 से ऊपर हो गया। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अब ये जो मौत का आंकड़ा है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये और बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि 10,000-20,000 पहुंच जाए और इटली को भी पीछे छोड़ दे। तो चीन, इटली, स्पेन, नीदरलैंड ऐसे देशों के बाद, मतलब इन देशों से भी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा अमेरिका में हो रहा है। और ये वही अमेरिका है जिसके 2-4 सैनिक भी मर जाते हैं अगर किसी युद्ध में, तो वहाँ पर हंगामा हो जाता है। 10-5 मौत अगर किसी महामारी के कारण हो जाए तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, और वहाँ के पब्लिक सड़कों पर उतर आती है। ये पब्लिक अभी भी सड़कों पर उतरेगी, और उनकी भावनाएँ अभी भी मरी नहीं है। लेकिन अभी अमेरिका में आपदा आया हुआ है, और उस आपदा के कारण लॉकडाउन है, तो लोग अभी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। अभी सबसे पहले उनका मकसद है इससे निपटना, और अमेरिका में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं चीन जिम्मेदार है। जिस चीन ने हांगकांग के प्रदर्शन को दबाने के लिए ये सारी साजिश रची थी, और वही अमेरिका अब उस हांगकांग को आज़ाद कराने की प्लानिंग बना रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसमें पूरी तरह से जुट गई है, और हांगकांग के जो लोकतंत्र समर्थन के लोग हैं, जिन लोगों ने पहले ही चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, अब वो इस वायरस के जो प्रकोप है वो खत्म होने के बाद फिर से सड़कों पे उतरेंगे, और इस बार उसका सहयोग अमेरिका करेगा। अमेरिका और चीन के बीच कि ये स्थिति अब इस तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसे लगता है कि अमेरिका बिना बदले की कार्रवाई किए चीन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चीन अब बुरी तरह से फंस गया है। हांगकांग में अब उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। अगर हांगकांग की बात देखें, जिस तरह का हांगकांग का स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें चीन का की पकड़ पहले से भी वहाँ थोड़ी कम थी। जो हांगकांग है वो पहले ब्रिटिश के अंतर्गत था, ब्रिटिश प्रशासन ने 1898 में उसे 99 साल के लीज पर लिया था। उससे पहले जो चीन में जो अफीम युद्ध बोला जाता है, 2-3 अफीम युद्ध हुआ था, और उसके बाद ब्रिटेन ने चीन के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया था, और एक तरह से इनडायरेक्ट प्रशासन जो व्यवस्थाएं थी वहां से, जो हान वंश के शासकों का अधिकार जिसके ऊपर था, वो क्षेत्र जो थे कहीं ना कहीं ब्रिटेन के परोक्ष अधीन में आ गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे हांगकांग को जब ये समय नजदीक आया, तो फिर से 1997 में ब्रिटेन ने चीन को इसे वापस कर दिया। वहां पर स्थिति अलग थी, जो ब्रिटेन के ने जो हांगकांग की स्थिति बनाई थी वो एक डेवलप्ड क्षेत्र के रूप में बना दी थी, और वहाँ फ्री ट्रेड की स्थिति थी, जो फ्री ट्रेड होता था, और जिसके कारण हांगकांग एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र बन गया था। और जब हांगकांग की स्थिति वैसी थी तो चाइना, जो एक कम्युनिस्ट स्टेट है, किसी भी स्तर पर हांगकांग को अपने तरीके से प्रशासित नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था कि अगर हांगकांग को मेन लैंड, जो चीन का मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उस तरह की व्यवस्था वहां पर लागू कर दी गई तो वहां की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और वहां के लोग तत्काल विरोध कर देंगे। इसके कारण उन्होंने वहां वन कंट्री टू सिस्टम लागू किया, यानी कि देश तो एक ही है, यानी चाइना भी, हांगकांग भी है जो चाइना के पास ही है, चाइना का ही एक क्षेत्र है, लेकिन सिस्टम जो होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। चाइना का सिस्टम कम्युनिस्ट व्यवस्था के तहत चलाई जाएगी, जबकि हांगकांग का सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा, वहां की इकोनॉमिक व्यवस्था अलग होगी और वहां फ्री ट्रेड के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ का गवर्निंग सिस्टम भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चलाती है, और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर लागू चाइना ने किया है। तो ये पूरी स्थिति वहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग पूरी तरह से वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, वह वन कंट्री टू सिस्टम की नीति पर चलना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए पिछले दिनों जब वहाँ पर एक प्रत्यर्पण कानून बनाया गया, एक बिल पेश किया गया, तो उसके खिलाफ हांगकांग के लोग सड़कों पर उतर आए।
और सड़कों पर ये आंदोलन लगातार चला। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए, 10 दिन 20 दिन में आंदोलन को दबा दिया गया। चाइना के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि ये जो हांगकांग की स्थिति है उस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। अमेरिका भी हांगकांग के वो लोकतंत्र समर्थकों के साथ था, यूरोप के कई देश लोकतंत्र समर्थकों के साथ खड़े थे, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया की भी नज़र उसके ऊपर थी। तो चाइना किसी भी तरह से हांगकांग के विरोध प्रदर्शन को ताकत के बदौलत, यानी कि जो चाइना की पहले नीति है, जो चाइना एक बार ये थियांगमंग चौक की घटना आपको याद होगी, वो आपने पढ़ी होगी उसके बारे में, जब वहाँ लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठी थी तो चाइना ने टैंक चलाकर उन लोगों की हत्या कर दी थी। यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठ रही है और चाइना चुपचाप बैठा हुआ है। इसके पीछे का कारण यही है कि आज वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। कम्युनिस्ट स्टेट होने के बावजूद चाइना किसी क्षेत्र में अमानवीय काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए चीन ने एक नई तरह की रणनीति बनाई थी और वहाँ पर एक वायरस फैलाने की बात सोची थी, ताकि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी घोर आलोचना भी ना हो, वो किसी न किसी तरह से एक साजिश के तहत वहाँ के लोगों को घर के अंदर नज़रबंद कर दे और फिर वहाँ पर विद्रोह शांत हो जाए। लेकिन उससे पहले ही चीन का भंडाफोड़ हो गया और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गई, और जिस तरह से लोकतंत्र के समर्थकों के साथ अमेरिका खड़ा था और अमेरिका को चीन ने धमकी दी थी, उसके बाद जो अमेरिका की अभी वर्तमान स्थिति है, उन सब चीज़ों को जोड़ के एक साथ देखा जा रहा है, और अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस बात की छानबीन कर रही है कि कहीं अमेरिका ने जो हांगकांग को साथ दिया था उसी का परिणाम तो भुगतना नहीं पड़ रहा है। और ये जाँच के साथ साथ चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात हो रही है, और ये कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप से अगर नहीं हुई तो परोक्ष रूप से होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे ठोस सबूतों की ज़रूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को अलग थलग करने के लिए उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो कोरोना वायरस है वो सही में वायुविपन था। लेकिन दूसरे स्तर से बदला लेने के लिए उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठोस सबूतों की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका हांगकांग को अलग थलग करने के लिए, यानी कि चीन से अलग करने के लिए, वहां लोकतंत्र स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करने वाला है, और ट्रंप शी जिनपिंग से इतना बड़ा बदला लेंगे कि चीन आगे कई सालों तक उभर नहीं पाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।